चेक। चलिए चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने एनपीओ स्टार्ट किया था। बेसिकली एनपीओ के अंदर हमने सीखा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे दो तरीके से बेसिकली हम अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। हमने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बांटा हुआ है वो अकाउंटिंग के आधार पे बांटा हुआ है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट तो कमाएगी लेकिन वो घर लेके नहीं जाएगी, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट तो कमाएगी और वो अपने घर ले जा सकती है, यानी उस प्रॉफिट को फ्रीली खर्च कर सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा के और उसको जहां मन चाहे वहां खर्च कर सकती है, दैट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को अर्न करके और वो बिजनेस में ही रीडेवलप के लिए, बिजनेस में ही सेम मोटिव जो उनका थॉट था, जो उनका कोर गोल था, उसी में इन्वेस्ट करती है, दैट इज आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एग्जाम्पल था स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको चीजें फ्री में प्रोवाइड कर दी जाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपको सामान सस्ते में दिया जाए और कुछ कम रेट पे दिया जाए जितने का पड़ रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि टॉपिक कौन कौन से करेंगे सर। इसके अंदर कुछ एक टॉपिक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक था यहाँ पे, ये रहा हमारे पास कुछ टॉपिक, जैसे कि स्टॉक कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएगा जितना हो सकता है। और काफी बच्चों का कहना है सर लीज लीज में हो सकता है कि कल ही स्टार्ट कर दें, जैसे आपके अभी एग्जाम भी चल रहे हैं तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चल लेंगे, एक दिन का चैप्टर है वो। इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया था स्टॉक कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। स्टॉक कंज्यूम वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने एक सिंपल वाला पार्ट कर लिया था, और सिंपल के बाद हमने ये भी देखा था कि भैया एक ऐसा भी प्रोसेस है जहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड होगा। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं किया, तो चलिए हम यहाँ से एग्जाम्पल उठाएंगे और एक इसका एडवांस भी करेंगे, और आज खत्म करेंगे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेनली। आज हम खत्म कर लेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, टू बी कंटिन्यू जितना भी आगे बढ़ेंगे हम। अब काफी बार आप देखोगे ना तो काफी टीचर्स का भी मानना है और बहुत लोगों का कहना होता है सर एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेंडिंग चला आ रहा है पीछे कई सालों से, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फाइनल अकाउंट के बीच में चॉइस आता है, ऐसा ट्रेंडिंग है। तो बच्चे क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं और फाइनल अकाउंट तो करके ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा आप बिल्कुल भी रिस्क ना ले तो मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार फाइनल अकाउंट नहीं पूछा जा गया हुआ है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसको छोड़ने की गलती ना करें, करके जरूर जाएंगे आप, चाहे जो भी हालात हो करना तो है ही आपको। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल मेरे पास, मैं खुद ही लिखूंगा एग्जाम्पल और उसी को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस है नहीं इस तरीके से। टाइपिंग अभी अगली क्लास से टाइपिंग हो जाएगी, बाकी मैं लिख देता हूँ। मान लेते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2022, दैट इज 10,000। सेम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31/3/2000 23, 15,000, 23 को हमारा है 15,000। सेम ऐसे देखा जाए क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ऑन, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2022 20,000, और अगेन क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ऑन 31/3/2023, मैंने शायद गलत, ठीक है 23 ओपनिंग है, क्लोजिंग ठीक है 30,000, पेड टू क्रेडिटर 10,000,
कैश परचेज ₹5,000, कैलकुलेट कैलकुलेट स्टॉक शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपके सामने एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल, जो हमने किया है उसी के बेसिस पे है। इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर कैसे करना है देख लीजिए फटाफट से। इसके जब कभी भी आपका स्टॉक अकाउंट भी दिख जाए आपको, मान लेते हैं स्टेशनरी का चल रहा है, और जब आपको साथ के साथ क्रेडिटर भी दिख जाए, है ना, दो चीजें, स्टॉक भी दिख जाए और क्रेडिटर भी दिख जाए, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आपको दो अकाउंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। सर दो अकाउंट कौन से ड्रॉ कर लेना चाहिए? एक स्टॉक अकाउंट ड्रॉ कर लेना चाहिए, एक कंज्यूम। जैसे मैंने एक अकाउंट ड्रॉ कर लिया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सर एक और अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम। पहले अकाउंट का नाम स्टॉक अकाउंट और दूसरे का नाम क्रेडिटर। आपने जब कभी भी सवाल में दोनों चीजें गिवन हो, स्टॉक का बैलेंस भी और क्रेडिटर का, इवन दो क्रेडिटर का सिर्फ एक ही बैलेंस गिवन हो, ऐसा नहीं कि दोनों मिलना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, दो अकाउंट बना लेना चाहिए। दोनों अकाउंट में हमें पहले फिल करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स लिख देंगे, और बेसिक टर्म्स में क्या होता है, इसका बैलेंस बीडी इधर आएगा, बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस किधर आएगा, इधर बाय बैलेंस सीडी, और इसका बैलेंस बीडी इधर आएगा, बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस इधर आएगा टू बैलेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चे ये चीजों को फॉलो नहीं करते, मैं काफी बार बताता हूँ लेकिन ये नहीं करते। जबकि ये वाला फॉर्मेट बना के बैलेंस बीडी और सीडी लिखना बहुत आसान काम है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो कई बार आप परेशान हो जाते हो, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन बहुत इजी है ये। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर और क्या करना है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा को फिल करना है। सर सबसे पहले बैलेंस बीडी स्टॉक का देख लो, ये गिवन है हमें, बैलेंस बीडी कितने का है हमारा, सर 10,000। सर ये क्या है हमारा सीडी, कितने हैं हमारे, 15,000। ये क्या है बीडी, कितने का है, 20,000। सीडी कितने का है, 30,000। ये फिल कर लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन है। कहता है पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पैसा दिया है, तो क्रेडिटर को पैसा अगर दोगे तो इम्पैक्ट कहाँ आएगा सर, क्रेडिटर अकाउंट में, और क्रेडिटर अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, टू बैंक, क्योंकि जब क्रेडिटर को आप पैसा दोगे तो आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा टू क्रेडिटर, और ये आ गया सर हमारा 10,000 रुपये। समझ में आ रही है यहां तक बात आपको? अब इसके बाद कहता है कैश परचेज। सर कैश परचेज का क्रेडिटर से कोई लेना देना है क्या, नहीं है, तो कैश परचेज से हमारा यहां पे आ जाएगा टू कैश परचेज, और कैश परचेज कितने का है, 5,000। इसके बाद कहता है कैलकुलेट करना है हमें सारी बातों को, तो कैलकुलेट बड़े सिंपली कर लेंगे। यहां से हमारा एक जानकारी निकलेगा सर, क्या जानकारी निकलेगा, जैसे 10,000 और 30,000, 40,000, और ये भी आ गया 40,000। यहां से इंफॉर्मेशन निकलेगा बाय क्रेडिट परचेज, और 40 में से 20 चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे 38, हाँ 20,000, मैं दो नहीं था। अब इस 20,000 को हम इधर ले जाएंगे टू क्रेडिट परचेज, और बेसिकली देखो ये अकाउंट अगर यूज कर रहे हो तो क्रेडिट परचेज शब्द का इस्तेमाल मत करो,
जब भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, बाकी हमें जो लिखना चाहिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ लिखना चाहिए स्टॉक अकाउंट यानी अकाउंट का नाम इंटर, और यहाँ लिखना चाहिए क्रेडिटर, क्योंकि ये आया कहाँ से, क्रेडिटर अकाउंट से, तो ये वर्ड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए 15,000, और ये वाला भी तो जाएगा 20,000, तो 15 और 20 35,000, और ये 35,000 20,000 चला जाएगा। अब ये बाई साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका आ जाएगा टोटल 20,000। लो जी एक अकाउंट हमारा तैयार हो गया। समझ में आएगी, तो बेसिक सा है। एक और थोड़ा एडवांस सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे बेस पे। स्टॉक 1/4/2022, 31/3/2023, 5,000, 7,000 क्रेडिटर, 2,000, 4,000 प्रीपेड, 5,000, 4,000 बैंक से हमने पेड किया है, पेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपए टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 46,000 टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000। चलिए सर, एक सवाल आपके सामने, इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है, हम देखेंगे क्या सवाल में है और क्या चीज है। हम अकाउंट बना लेते हैं, और ये अकाउंट हम फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीपेड वाला अभी तक नहीं देखा है। अकाउंट सिंपली ही बनेगा हमारा, क्या लिखे हैं यहां पे, ओहो पर्टिकुलर इस अकाउंट का नाम स्टॉक अकाउंट जैसे पहले था, अब भी स्टॉक अकाउंट ही रहेगा। आपको लिख देना है अगर स्टेशनरी है, हालांकि मैंने लिखा नहीं, चलो मैं लिख देता हूं, ये स्टेशनरी का डिटेल है। अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी का स्टॉक अकाउंट बनाओगे, मेडिसिन है तो मेडिसिन का बनाओगे, स्पोर्ट्स मटीरियल तो स्पोर्ट्स लिखना अपने है। यहां पर बनेगा हमारा क्रेडिटर एंड प्रीपेड अकाउंट, यानी मैं एक ही अकाउंट को इस्तेमाल करूंगा दोनों चीजों के लिए, यानी इसी अकाउंट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं क्रेडिटर के लिए भी और प्रीपेड के लिए भी। तो चलिए पहले मैं क्रेडिटर की बात करूं, तो क्रेडिटर स्टार्ट कहां से होगा, इधर से खत्म यहां पे होगा, और सेम प्रीपेड को ही इसी अकाउंट पे इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो प्रीपेड स्टार्ट कहां से होगा, इधर से और इधर से। इसका मतलब सर इस अकाउंट के अंदर दो बैलेंस बीडी दिखेंगे और दो बैलेंस सीडी भी दिखेंगे। मतलब सर दो बैलेंस बीडी कैसे, सबसे पहले तो इसका बैलेंस बीडी पुट कर लो, फिर इसका लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब क्रेडिटर को सोचो, पहले क्रेडिटर का बैलेंस इधर होगा, बैलेंस बीडी, अब सोचो आप इसका सीडी किधर होगा, टू बैलेंस सीडी। अब प्रीपेड सोचो, तो प्रीपेड का बैलेंस किधर होगा बताओ, प्रीपेड हमारा एसेट्स है तो इसका लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी,
और इसका सीडी किधर होगा, बाय बैलेंस। यानी बड़ा सिंपल है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, ये हमारा प्रीपेड का है और ये हमारा क्रेडिटर का है, ठीक है। मैंने लिख भी दिया, ये हमारा प्रीपेड का है, ये हमारा क्रेडिटर का है, ठीक है। चलिए अब कहानी वही रहेगी कि अगर हमें पेमेंट करना हो तो इधर से ही पेमेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट सबके बैलेंसेस को पुट कर देते हैं और जिससे हमारा रिजल्ट फटाफट मिल जाए। तो स्टॉक का बैलेंस पहले कितने का है, 5,000, और क्लोजिंग 7,000। क्रेडिटर का इधर आएगा 2,000, और दूसरा कितने हैं, 4,000 इधर आ जाएगा। सेम अगर देखा जाए तो प्रीपेड का किधर आएगा बैलेंस, बीडी इस साइड आएगा प्रीपेड का, दैट इज 5,000, और कितना आ जाएगा हमारा, 4,000 आ गया, ठीक है। नाउ कहता है हमने पेड किया क्रेडिटर को 10,000 रुपये, तो टू बैंक से पेमेंट इस साइड आएगा, टू बैंक से पेड हम इस साइड करेंगे, कितने का पेड कर दिया हमने, 10,000 का, ठीक है। चलिए इस सवाल के अंदर एक और लाइन मैं ऐड करना चाहूंगा, टू परचेज ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट स्टॉक कंज्यूम एंड क्रेडिट परचेज। दो चीजें बताना है, स्टॉक कंज्यूम भी बताना है और क्रेडिट परचेज भी बताना है। स्टॉक कंज्यूम का मतलब उतना स्टॉक का पार्ट जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है, जो कि हमारा खर्चा माना जाएगा। क्रेडिट परचेज भी बताना है। तो अब देखते हैं फटाफट से, सबसे पहले यहां से क्या निकलने वाला है सर, यहां से जो निकलेगा हमारा वो निकल जाएगा, टोटल कर लेते हैं, 5, 15 और 19, और ये भी 19 आएगा। 19 में ऐसे आपके 4 और 2 6 चले जाएंगे, 13 आ जाएगा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज 13, और इस 13 को क्रेडिट परचेज को हम किधर दिखाने वाले हैं, टू क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिट परचेज, क्योंकि इधर ही जाएगा ये 13। अब सवाल में देखो क्या कह दिया मैंने, मैंने कह दिया कि भैया जो टोटल परचेज है दैट इज 40,000। अगर आपका टोटल परचेज गिवन है, कितने गिवन है, 40, इसका मतलब सर ये परचेज जो होगा वो कैश प्लस में क्रेडिट ही होगा, टोटल तो यही होता है। तो अगर आपको क्रेडिट परचेज पता चल चुका है 13,000, तो बाकी का जो बच गया हमारा कितने, 27,000, दैट इज कैश परचेज। सवाल में पहला बोलता है स्टॉक कंज्यूम बताइए और क्रेडिट परचेज बताइए, क्रेडिट परचेज तो बता दिया हमने, अब यहां पे हम कैश परचेज लिख देते हैं 27,000। ऑल्दो अगर इस सवाल में बोलता सिर्फ आप स्टॉक कंज्यूम ही निकालिए और कुछ मत निकालिए, तब मेरा ये अकाउंट बनाना बेकार हो जाता, क्योंकि स्टॉक कंज्यूम अगर पूछता तो हमारे पास टोटल परचेज अवेलेबल है 40, जो कि हमने अभी भी 40 ही लिखा है, तो हम टोटल लिख के निकाल सकते थे, क्योंकि सवाल में इसने पूछ लिया क्रेडिटर भी बताइए, तो इसलिए आपने यहाँ पे निकाला है इसको। अब फटाफट से इसको टोटल करेंगे, तो टोटल कितना, 45, और इधर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 38 आ गया। तो लीजिए जी, ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है इसके बाद खत्म, ये कॉन्सेप्ट इसके बाद हो जाता है हमारा खत्म। चलिए क्लियर है यहां तक, यानी अभी तक हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को स्टॉक स्टेशनरी कंज्यूम को कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो बच्चे लाइव क्लास में भी है वो भी पूछ सकते हैं। चलिए सर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब
नाउ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन, हम तीसरे नंबर पे करेंगे। इसके बाद हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड सर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि समझिए, पहले यहां पे हमें ज्यादा कुछ नहीं समझाया जाता, बड़ी बेसिक सी बात है। मान लीजिए आपका एक स्कूल है, आपका एक स्कूल है, तो बट ऑब्वियस से है आपका स्कूल है और आपने लोगों के भलाई के लिए करा, तो मैं कहूंगा आप क्या हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दुकान होता है, कोई भी बिजनेस कर लो उसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो आपका एक स्कूल है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी मदद करने के लिए काफी सारे अमीर लोग आएंगे, गरीब तो करेंगे नहीं मदद आपकी। तो काफी सारे अमीर लोग के साथ साथ, मान लेते हैं ये अंबानी है, मान लेते हैं ये अडानी है, और मान लेते हैं ये गवर्नमेंट है, तो भैया आप सभी की मदद करने का मतलब क्या? मदद कैसे करेंगे आपको? आपको पैसा देंगे। ये क्या देंगे आपको? फंड देंगे, पैसा आपको देने वाले हैं ये पैसा। जब आपको पैसा दिया जाएगा तो यहां पे जब आपको पैसा देगा तो कुछ ऐसे हैं जो कि आपको पैसा देंगे, पता है किस लिए? कि आए यार आपके स्कूल में ना ये काम करवा लो, आप अपने स्कूल में ये काम करवा लो। जैसे मान लेते हैं बच्चों के पास ड्रेसेस नहीं है, यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो अपने घर के ड्रेस में ही आ रहे हैं, और मान लेते हैं ये जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स है नहीं, उनको पढ़ाया जा रहा है। तो जब इनके पेरेंट्स है नहीं तो अच्छा भलाई का ही काम कर रहा है, जब इन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है तो ड्रेस कौन दिलाएगा? ऐसे कोई तो दिला नहीं सकता। तो इस जिसका भी स्कूल है उस स्कूल वालों ने बोला कि सर बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, हमें फंड चाहिए, मैं तो चाइल्ड को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देते हो तो फिर बच्चा भी ड्रेस में आएगा, उसे भी एक फील आएगा, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बच्चा अपने पर्सनल ड्रेस में आएगा। हमारे पास जितना पैसा था हम लगा चुके हैं, इससे ज्यादा है नहीं। तो मान लेते हैं अंबानी ने बोला ठीक है मैं आपको देता हूँ कुछ पैसे, और आपको पैसे देता हूँ बच्चों के ड्रेस के लिए, आपको पैसे देता हूँ बच्चों को ड्रेस के लिए। इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए, दैट इज जो इन्होंने 5 लाख रुपए दिए, हम इस 5 लाख रुपए को पता क्या बोलेंगे? डोनेशन। डोनेशन मतलब चंदा, और डोनेशन किस लिए दिया? डोनेशन फॉर ड्रेस, बच्चों के स्कूल ड्रेस के लिए दे दिया इन्होंने। अब भाई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला भैया, या फिर अडानी आई, अडानी ने बोला कि अडानी भी इसका हेल्प करना चाहते हैं, ये भी क्या देने वाले हैं? पैसा। अब अडानी ने बोला मैं भी पैसा दूंगा, मैं अंबानी से कम क्यों नहीं दूंगा, मैं 10 लाख दूंगा। और अडानी ने भी 10 लाख रुपए दिए, यानी इसने भी दिए डोनेशन, इसने भी दिए डोनेशन। लेकिन जब स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा, स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा अडानी जी आप मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने 10 लाख रुपए दिया है ये कहाँ यूज करना है? अडानी ने बोला मुझे नहीं पता, आपको जहां सूटेबल लगता है वहां पे खर्च करिए, आपको ड्रेस देना है ड्रेस दीजिए, खाना खिलाना है खाना खिलाइए, बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीदना कंप्यूटर, वट एवर यू नीड आप वहां पे स्पेंड करिए इसको। इसके बाद गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी आपको हेल्प करने वाले हैं, हम आपको एक काम करते हैं, आपको हम कुछ लैंड प्रोवाइड कर देते हैं, जमीन, ताकि आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर पाओ, और साथ के साथ हम आपको क्या दे देते हैं, लैंड प्रोवाइड करने के साथ साथ हम आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी देंगे, कैश देते हैं, कैश देते हैं हम आपको 20 लाख रुपए, और इससे आप क्या करवाइए, बिल्डिंगें बनवाइए, इससे क्या करिए आप, बिल्डिंगें बनवा लीजिए। तीनों लोगों ने अलग अलग चीजें दी है। अब इसके अंदर दो तरीके का काम है। अब जो अंबानी वाला पैसा है ये प्रिंसिपल क्या करेगा, ड्रेस खरीद के लाएगा बच्चों के लिए। अंबानी वाले पैसे का क्या करेगा, ड्रेस खरीद के लाएगा। अडानी वाले पैसे का क्या खर्चा करेगा इसको भी नहीं पता, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा खर्च कर लेगा। गवर्नमेंट वाले पैसे का, जो गवर्नमेंट ने जमीन दिया है उस पर क्या बना लेगा, बिल्डिंग बना लेगा। तो यहां पे डोनेशन, सब
चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, सभी ने डोनेशन ही दिया है इस स्कूल को। लेकिन इस डोनेशन के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ गया है। सर कैटेगरी स्पेसिफिक क्या आ गया इस डोनेशन के अंदर? जो अंबानी ने दिया था वो स्पेशली ड्रेस के लिए दिया था। मान लेते हैं कि ये 5 लाख रुपए जो इसको ड्रेस के लिए मिला था, इसने स्कूल के अंदर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अंबानी क्या कर सकता है उससे? वो 5 लाख रुपए मांग सकता है। बोला भैया हमने तो आपको ड्रेस के लिए दिया था, तो आपने ड्रेस क्यों नहीं खरीदा? आप यानी हम जो पैसे दे रहे हैं हमारे मुताबिक खर्चा नहीं हो रहा, आगे से हम आपको डोनेशन नहीं देंगे, और ये जो डोनेशन दिया ये भी हमें वापसी दीजिए। तो जो डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो इधर उधर खर्च नहीं करते। उसको कहाँ खर्च करना होता है? उसी काम के ऊपर खर्च करना होता है जिसके लिए उसको डोनेशन मिला है। ऐसे डोनेशन को बोल देते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। ऐसे डोनेशन को क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक डोनेशन। और एक जो अडानी ने दिया इसको, अब इसने क्या करा, उस 10 लाख में से 2 लाख रुपए के बच्चों को खाने का इंतजाम कर दिया, 2 लाख रुपए के बच्चों के बुक्स वगैरह दे दिया, तो कहीं कहीं खर्च कर दिया। अडानी एक क्वेश्चन इससे रेज नहीं कर सकता कि भैया मैंने आपको 10 लाख दिया था तो आपने कहाँ कहाँ ऐसे क्यों खर्च करा। अगर अडानी बोलता है कि भैया यार तुम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, तो स्कूल के प्रिंसिपल बोल सकते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट बोल सकता है, सर आपने जब पैसे दिया था तो हमने पूछा था किस लिए दे रहे हो, तो आपने बोला था अपने अकॉर्डिंग क्या करो इसको खर्च कर लो, और मैं अपने अकॉर्डिंग जहां सूटेबल लग रहा है खर्च कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अडानी के पैसे का हिसाब अडानी को नहीं दिया जाएगा। तो सो ये भी डोनेशन है, इसे बोलेंगे जर्नल डोनेशन। इसको क्या बोला जाएगा? जर्नल डोनेशन। और जो गवर्नमेंट ने दिया ये किस लिए दिया? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये भी कौन सा डोनेशन हो जाता है? स्पेसिफिक डोनेशन। सर जर्नल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या फर्क है? जर्नल डोनेशन वो डोनेशन होता है जिसके अंदर आप खर्चा करने के लिए फ्री हो, कहीं भी एक्सपेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको जो नीडेड है। और जो जर्नल स्पेसिफिक डोनेशन है जिसके लिए दिया गया उसी के लिए आपको खर्चा करना है। तो जर्नल डोनेशन जो होता है ना वो आपके लिए इनकम माना जाता है, एक तरीके से इनकम के जहां मर्जी खर्च करेंगे। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो आपके लिए लाइबिलिटी माना जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसी चीज पे खर्च करोगे। अगर आप खर्च नहीं कर रहे तो उस पैसे को क्या करिए? आप बचा के रखिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसी सभी डोनेशन को ना हमें बैलेंस शीट में दिखाना आना चाहिए कि कौन सा डोनेशन हमारा खर्चे इनकम में जाएगा और कौन सा खर्चा में तो होगा नहीं, कौन सा डोनेशन हमारा इनकम में जाएगा और कौन सा डोनेशन लाइबिलिटी में जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, डोनेशन या तो इनकम बनता है या फिर क्या बनता है? लाइबिलिटी। इनकम में तब जाता है डोनेशन जब क्या माना जाएगा? जर्नल डोनेशन। और लाइबिलिटी में कब होगा? जब होगा स्पेसिफिक डोनेशन। तो यहाँ पे डोनेशन की मैं बात कर रहा था, तो डोनेशन दो तरीके के हैं। डोनेशन दो तरीके के हैं, सर एक जर्नल डोनेशन है एक स्पेसिफिक डोनेशन है। एक सर जर्नल डोनेशन है, एक स्पेसिफिक डोनेशन है। दोनों में क्या फर्क है? इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सर दोनों में फर्क क्या है, जनरल डोनेशन में और स्पेसिफिक डोनेशन में। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए इसको इधर कर देते हैं साइड में और हम आ जाते हैं। अब सर जनरल डोनेशन हुआ तो इसका ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। सर जर्नल डोनेशन जो होगा उसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा? ये सर ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब यहां पे दो सवाल पैदा होते हैं, दो सवाल आता है। सर अगर जर्नल डोनेशन दिया गया तो जर्नल डोनेशन को हम क्या करने वाले हैं? जर्नल डोनेशन दिया जाएगा, जैसे कि हमें अडानी ने 10 लाख रुपए दिए तो 10 लाख रुपए एक ही दिन में तो खर्च नहीं करेंगे, तो इस जर्नल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए। लेकिन कई बार यहाँ पे दो केसेस हो सकता है ट्रीटमेंट, मैं ट्रीटमेंट को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा। यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं सर, एक हो सकता है डोनेशन अमाउंट और एक हो सकता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब सर इंटरेस्ट कहां से आ गया?
देखो आपको डोनेशन 10 लाख का मिला, आपने क्या करा, डोनेशन चेक से मिला था, बैंक में जाके जमा करके आ गए, आपने उस डोनेशन को यूज करने में थोड़ा वक्त लगा दिया, 2 से 3 महीने, क्या बैंक वाला ब्याज देगा या नहीं देगा? देगा सर, बैंकर तो ब्याज देगा ही देगा। जब बैंकर ब्याज दे रहा है तो उसी डोनेशन पे आपकी इनकम हो रही है। तो सर डोनेशन को तो मैंने कह दिया कि इस डोनेशन को कहाँ दिखा दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन सर जो इसके ऊपर ब्याज आ रहा है उसको कहाँ दिखाना है? तो जवाब है सर उसको भी कहाँ दिखाना है सर, सेम जगह पे। यानी आपका चाहे ये आए चाहे आपका ये आए, दोनों को कहाँ दिखाना है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। यानी सर डोनेशन से भी पैसा कमाया जा सकता है, उसे जब बैंक में एफडी कर देंगे या बैंक में जमा कर दिया तो उससे इनकम होगा, तो इस इनकम को भी कहां मानना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। समझ में आए? दो ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट को हम शो करते हैं सर, कैसे शो कैसे करना है, वेरी सिंपल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, एक ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, मैं सारी चीजें बोल के चलूंगा, और मैं इसलिए ये बना के दिखा रहा हूं अभी क्योंकि आपने पहले कभी ना कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है 12th क्लास में, या जिसने जहां भी सीखा होगा एनपीओ ना, जिस भी टाइम पे वहां बनाया ही बनाया होगा। चलिए अब ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने बोला डोनेशन इनकम है, ये होता है हमारा डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर जब भी डोनेशन मिलेगा जर्नल वाला, तो बाय डोनेशन इधर आ जाएगा और उसके ऊपर इनकम जो होगा वो भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आपको ये एंट्री ही दिखानी है। वैसे डबल एंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर डोनेशन में पैसा मिला होगा तो बैंक में भी तो रिफ्लेक्ट होगा एसेट साइड में, तो हमारा ये अजम्पशन रहता है बैंक में आ चुका है, वो ठीक ठाक चल रहा है, हम सिर्फ एक पार्ट ही यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सर स्पेसिफिक डोनेशन पे। तो स्पेसिफिक डोनेशन की ट्रीटमेंट की बात करें, स्पेसिफिक डोनेशन की हम बात करते हैं क्या सर, ट्रीटमेंट की। सर स्पेसिफिक डोनेशन के भी दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, यानी दो चीजें हो सकती है सर, दो चीजें क्या क्या हो सकती है यहां पे, एक हो सकता है डोनेशन अमाउंट, डोनेशन अमाउंट एक डोनेशन हो सकता है, और एक हो सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। चेक करिए नाउ, क्लियर है वॉइस? अब चेक करिए क्लियर है। चेक करिए फिर आगे बढ़े। यस, तो बाय चांस अगर वॉइस डिसकनेक्ट हो जाए तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए सर, यस सर, तो हम थे डोनेशन के ऊपर, अगेन आ जाते हैं डोनेशन पे ही।
तो मैंने बोला जब डोनेशन जनरल मिलता है तो टेंशन नहीं है, स्पेसिफिक में ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक डोनेशन हुआ तो उसको खर्च करने की बारी आएगी, तो खर्च कर सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे या खर्च कर सकते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, दो जगह खर्च किए जा सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यानी सर जो स्पेसिफिक डोनेशन है, यानी सर जो स्पेसिफिक डोनेशन है जो स्पेसिफिक डोनेशन है इसके यूज की अगर आप बात कर रहे हो तो यूज दो जगह होंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल दो जगह यूज हो सकता है। सर कहां कहां यूज हो सकता है? इसका यूज कर सकते हो या तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर, जिसे बोल रहा हूं मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ी सरदर्दी कुछ बच्चों के लिए होगा, सर समझ में तो आ गया यूज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो वाले खर्चे होते हैं जिस खर्चे को आप कर तो देते हो, वो खर्चा आपके पास रहता नहीं एक साल के अंदर, जीरो। जैसे मान लो मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूं, तो ये तो गया अब दोबारा उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मान लो मैंने क्या करा, एक मोबाइल फोन खरीद लिया, तो ये मोबाइल फोन खरीदा तो ये सालों साल चलने वाला है, कहीं जाएगा नहीं मेरे पास से। तो जो खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालते हो, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एसेट्स आप बैलेंस शीट में दिखाते हो वो सारा का सारा पता है क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सा अलग होने वाला है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो आपको इसको कहीं भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी लेके नहीं जाना। आपको बड़े सिंपल तरीके से क्या करना है, लेस फ्रॉम डोनेशन। सर यानी एक एग्जांपल और बैलेंस शीट बना के समझा दे तो बेटर रहेगा आपको। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये रहा हमारा बैलेंस शीट। मैं सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा उसके अकॉर्डिंगली ताकि हमें दोबारा जरूरत ही ना पड़े। ये बैलेंस शीट है और मैंने अभी अभी आपको बोला डोनेशन अगर हुआ हमारा स्पेसिफिक तो कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी में। मैंने लिखा यहां डोनेशन, सपोज करो मैंने डोनेशन लिखा है 50,000 रुपए, मैं या जो एग्जांपल चल रहा था वही ले लेते हैं, यानी कितने मिले थे, 10 लाख मिले थे। कितने मिले? 10 लाख रुपए मिला डोनेशन। इस 10 लाख में से आपके खर्च कर दिए ड्रेसेस पे 4 लाख रुपए, तो मैं यहीं से सिर्फ लेस करूंगा यूज 4 लाख, तो बचे कितने, 6 लाख रुपए। स्टिल ये कहां रहेगा सर, लाइबिलिटी में रहेगा। मान लेते हैं 10 लाख रुपए डोनेशन मिला था, ये स्पेसिफिक डोनेशन था, ड्रेस के लिए मिला था, कितना था 10 लाख, और यूज कितना किया हमने उसमें से 4 लाख। जैसे डोनेशन फॉर ड्रेस था और मैंने ड्रेस के ऊपर ही खर्च किया, बस खत्म। अब इस 4 लाख रुपए को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाना, बस यहीं पे रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। पहले इसका ट्रीटमेंट देखो, समझ में आए कि नहीं आए। तो ये कहां खर्चा कर रहे हो सर, ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं जिससे कि कोई एसेट्स बिल्ड तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जिस खर्चा हो रहा है जस्ट, समझ में आए। लेकिन स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि इसी पे खर्च करना है। अब दूसरा हो सकता है आपका, जहां पे खर्चा करो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं तो इसको और डिटेलिंग में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले हम और डिटेलिंग में आ जाते हैं। चलिए सर आपने खर्च कर दिया, बट यहां पे कंडीशन ये क्रिएट हो गया, सर खर्च तो करा लेकिन ये 6 लाख रुपए का क्या? तो सर ये 6 लाख रुपए आपके पता है कहां होगा, बैंक के अंदर पड़ा होगा 6 लाख, तभी तो मैच होगा आपका एसेट्स लाइबिलिटी। मैं शुरू से इसको लेके चलता हूं बाय बैकग्राउंड से, ठीक है? मतलब मेरे बैंक में रहा था, जैसे ही डोनेशन मेरा मुझे 10 लाख रुपए मेरे बैंक में 10 लाख आ गया, उसमें से यूज 4 लाख कर लिया, तो मेरा यहां से भी यूज निकल गया 4 लाख रुपए, यानी बैंक में कितने पड़े हुए हैं 6 लाख। अगेन बैंक में अंदर पड़ा हुआ है और बैंक के अंदर पड़ा हुआ मान लेते हैं काफी टाइम से है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बैंक में पड़ा हुआ है ये 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, मतलब हमें जितना ड्रेस का जरूरत था ड्रेस बना के दे दिया, अब तो यूज ही नहीं हो रहा, ये ड्रेस तो अगले साल देंगे 1 साल। तो इस काम के बीच में हुआ क्या मेरे साथ, एक ये हैपनिंग हो गया कि बैंक ने इसके ऊपर हमें दे दिया इंटरेस्ट, बैंक वालों ने क्या दे दिया इस पे? अब इस डोनेशन पे जो इंटरेस्ट कमाया उसका भी ट्रीटमेंट आपको सीखना होगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो यहां प्लस हो जाएगा, मान लेते हैं 10% मिला तो 60,000 यहां प्लस हो जाएगा, तो अब जो डोनेशन होगा 6 लाख, और दूसरा क्या होगा सर, इंटरेस्ट मिला तो बैंक में ही तो मिला होगा,
तो एक इंटरेस्ट यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 60,000 रुपये। यानी देखो, जब डोनेशन आपका जर्नल है, जर्नल डोनेशन के अंदर हमने क्या देखा सर, जर्नल डोनेशन के अंदर हमें डोनेशन जब मिलेगा, सॉरी स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर स्पेसिफिक डोनेशन मिलेगा। अगर खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने खर्च नहीं किया तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। जब वो इन्वेस्ट होता है तो उस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर ब्याज मिलता है, और ब्याज मिलने के अंदर एक लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है, एक दूसरे साइड आ जाता है। इसका एक और एस्पेक्ट हो सकता है, क्या पता 6 लाख रुपए भी मैंने निकाल के क्या कर दिया हो, एफडी, 6 लाख रुपए भी निकाल के कर दिया हो एफडी, तो बैंक तो जीरो हो चुका है, एक एसेट साइड में नया एसेट क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होगा फिक्स डिपॉजिट, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक के अंदर नहीं, अब एफडी के अंदर ऐड हो जाएगा। समझ में आया क्या करने वालों, मैं क्या बता रहा हूँ, वहां तक क्लियर हो रहा है? तो इस सिचुएशन में ये हो जाता है हमारा डोनेशन पे। चलिए सर, अब डोनेशन पे करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर डोनेशन पे करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अगर आपने डोनेशन पे कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहां पे दो बातें हो सकती है। सबसे पहले तो आपका एक तो बात करेंगे डोनेशन की, और एक बात करने वाले हैं उसके ऊपर होने वाले इंटरेस्ट की। डोनेशन की एक बात करेंगे, एसेट्स मेकिंग की। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने दिया था, किस लिए दिया था गवर्नमेंट ने, तो एक जैसे ही हम डोनेशन को खर्चेंगे ना, मान लेते हैं हमें 20 लाख रुपए मिला, 10 लाख रुपए का जैसे बिल्डिंग बना, तो एक एसेट्स में भी हमारा एक स्टैंड हो जाएगा 10 लाख रुपए। समझ रहे हो बात को, क्यों एसेट्स में क्या आ जाएगा, एक नई बिल्डिंग आ जाएगी ना हमारे पास। तो अब बात करते हैं डोनेशन का, ये तो यूज करोगे तो सिंपल सी बात है लेस हो जाएगा फ्रॉम डोनेशन। एक तो ये ट्रीटमेंट होगा लेस फ्रॉम डोनेशन, और दूसरा दूसरा मैं बैलेंस शीट से बता देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मेरा सेम एग्जांपल है जो था, मैं बैलेंस शीट से बता रहा हूं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सरकार ने मुझे दो डोनेशन दिया था, याद हो तो आपको, सरकार ने दो डोनेशन दिया था। सर कौन से दो डोनेशन, एक जमीन दिया था, एक लैंड दिया था उन्होंने, और एक आपको क्या दिया था उन्होंने, तो मान लेते हैं लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपए, तो 10 और 20 30 लाख का मिला हमें डोनेशन। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20 लाख, और साथ के साथ मेरे बैंक खाते में भी आ गया होगा कितने रुपए, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है, और जो लैंड दिया उसने तो यहां पे लैंड भी आ गया होगा, और लैंड कितने का आ गया था, और ये लैंड आ गया, इसका मतलब अब हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा कितने का, 10 लाख का, समझिए। तो जैसे ही एसेट्स बिल्डअप हो जाता है ना, तो हमारा कैश भी चला जाता है, डोनेशन भी चला जाता है, लेकिन कैपिटल बढ़ जाता है हमारा। अब इसमें से मैंने बिल्डिंग बनाया, 5 लाख रुपए खर्च दिए या 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो यहां से मैं माइनस कर दूंगा बिल्डिंग यूज के लिए। तो मैंने बिल्डिंग बना लिया, कितने रुपए खर्च दिए, 7 लाख, ये कितने बचे, 13 लाख। इससे पहले आप ध्यान से देखना कि 10 और 20 30 और 30 दोनों बराबर था एसेट्स और लाइबिलिटी। अब मैंने इसमें से 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे बैंक से भी क्या माइनस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, बिल्डिंग के लिए कितने माइनस हो जाएंगे, तो यहां बचे हमारे 13। तो अब देखिए हमारे दोनों साइड क्या आ रहा है, 23 23, लेकिन जो बिल्डिंग बना वो तो दिख ही नहीं रहा बैलेंस शीट में। आपने बोला सर हमने 10 लाख रुपए में 7 लाख रुपए खर्च दिए, बिल्डिंग बना दिया, तो कहां है बिल्डिंग, बिल्डिंग तो होना चाहिए यहां पे, तो हमें अलग से बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। सर बिल्डिंग कितने का बन गया, 7 लाख। सर बिल्डिंग अगर आप बना देते हो तो एसेट्स लाइबिलिटी तो मैच नहीं हो रहा, तो आपको 7 के साथ ऐड करना होगा यहां पे 7 लाख। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है, आप ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर स्पेसिफिक मिला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो पहले डोनेशन माइनस करिए और बैंक माइनस करिए। बैंक हमें कभी माइनस करना नहीं होता, क्योंकि हम हमारे जो बैंक के बैलेंसेस होते हैं वो पहले से ही माइनस करके दिया हुआ होता है। तो जब डोनेशन मिलेगा, तो अगर स्पेसिफिक खर्च कर रहे हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए और किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो सबसे पहले क्या माइनस कर दीजिए, आप डोनेशन को माइनस कर दीजिए। डोनेशन माइनस करेंगे तो आपने बिल्डिंग बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा,
तो अगेन वो एसेट साइड में आ जाएगा, वो जिस पे खर्च किया है, और फिर दोबारा किस में एड ऑन हो जाएगा, वो जाके कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास 13 लाख रुपए का ऐसा डोनेशन है जिसका यूटिलाइज नहीं हो पाया है, तो ये दोबारा से बैंक में एफडी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, इस 13 लाख रुपए का एफडी कर दिया बैंक के अंदर, एफडी कर दिया 13 लाख का। तो यहां पे हमारा 13 लाख रुपए चला जाएगा और ये बचेगा कितना, 0 रुपए। जैसे ही एफडी करवाया मैंने, तो इस एफडी पे हमें क्या आना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो जैसे ही इंटरेस्ट चालू होना होगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे क्या इंटरेस्ट, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया, तो ये कितना हो गया, 14 लाख। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख रुपए का, यानी हमारा हो जाएगा 14 लाख। आप टोटल चेक कर सकते हैं, मैं टोटलिंग में बता दूं तो देखो, लाइबिलिटी साइड में 10 लाख है, 7 लाख है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, और 14 लाख, यही है हमारा लाइबिलिटी साइड में, और तो कुछ नहीं। और एसेट साइड में भी देखो तो कितने हमारे, 10 लाख है और 7 लाख है और 14 लाख। तो दोनों एसेट्स और लाइबिलिटी बिल्कुल आपका मैच हो रहा होगा, तो आपको समझ में आएगा डोनेशन का क्या करना है और कैसे करना है। एक केस और यहाँ पे निकल के आता है सर, आपको गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ 20 लाख दिया, लेकिन खर्चा तो आ रहा है 30 लाख रुपए। जितना गवर्नमेंट देगा उतने में बिल्डिंग बन के थोड़ी ना तैयार हो जाएगा, ज्यादा भी खर्च हो सकता है। तो एक थर्ड पार्ट आ जाता है डोनेशन का, स्पेसिफिक डोनेशन पे, स्पेसिफिक डोनेशन पे, व्हेन एक्सपेंडिचर मोर देन डोनेशन अमाउंट, डोनेशन अमाउंट, जब हमारा खर्चा हो जाए मोर देन डोनेशन अमाउंट। सर मतलब समझे नहीं, मान लो एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल यहां अलग ले लेते हैं, मान लेते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग मिला, कितने का मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसको साइड ले जाते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20 लाख रुपए, और मेरा जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए, तो यहां पे 5 लाख रुपए क्या हो गया, माइनस हो गया। हमने नॉर्मली जहां तक हमने सीखा है करा क्या होगा सर, हमने बनाया होगा फटाफट बैलेंस शीट, जैसे ही डोनेशन मिला होगा हमें, हमने क्या करा होगा, बैलेंस शीट तो बना ही रखा है, तो डोनेशन मिला हमें, हमने यहाँ डोनेशन पुट कर दिया होगा और कितना दिखा दिया होगा, मैंने बोला जो भी डोनेशन के ऊपर खर्चा करोगे स्पेसिफिक वहीं से माइनस करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस करने जाऊंगा एक्सपेंस यानी यूज 25 लाख, तो लाइबिलिटी साइड में क्या देख रहे हैं, ये तो किस में आ गया, लेकिन लाइबिलिटी साइड को माइनस में तो नहीं कर सकते ना। तो यानी इसका मतलब सर मैं जो यहाँ पे डोनेशन में से खर्चे को माइनस कर सकता हूँ ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ मैं, 20 लाख, ये हो जाएगा 0। लेकिन सर खर्चा तो कितना हुआ है, 25। अब ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख है ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में, डेबिट साइड, एज अ एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। इससे बाहर डोनेशन में एग्जामिनर कुछ पूछ ही नहीं सकता। यानी सिंपल सी बात एक बार फटाफट से क्विकली करते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सैलरी, वेजेस, आपका कैरेज, आउटवर्ड कैरेज, इनवर्ड, सारा रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में जितने भी फिक्स एसेट्स देखते हो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, सारे के सारे ये क्या है हमारे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए सर एक बार फटाफट से हम डोनेशन को रिकैप करते हैं, डोनेशन होता क्या है, और स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन की हम बात कर लेते हैं। सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो काम होता है ना वो किसका काम होता है, डोनेशन का ही होता है मेन काम। डोनेशन दो तरीके का हो सकता है, पहला डोनेशन हो सकता है हमारा जनरल डोनेशन, दूसरा डोनेशन कौन सा हो सकता है हमारा, स्पेसिफिक डोनेशन। अगर जनरल डोनेशन हुआ तो जनरल डोनेशन के केस में क्या होता है कि वो डोनेशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आ जाता है, लेकिन इनकेस अगर उस जनरल डोनेशन से आपकी कमाई हो जाती है तो उस कमाई को भी कहां दिखाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होता है जो किसी पर्पस के लिए दिया जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे दो बातें हो सकती है, पर्पस दो हो सकते हैं, या तो वो खर्च करने को दिया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, या खर्च करने के लिए दिया जा रहा है कहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। अगर इनकेस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने के लिए दिया जा रहा है, और तो उस सिचुएशन में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप खर्च करोगे डोनेशन में से तो माइनस होगा, दूसरी साइड हमारा एसेट्स क्रिएट हो जाएगा और एक कैपिटल क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ डोनेशन अगर उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, तो उससे होने वाला इनकम डोनेशन को भी प्लस करेगा और दूसरी साइड एसेट्स, जिस एसेट्स में इन्वेस्ट किया वहां भी क्या कर देगा, वो जाके प्लस कर देगा। लेकिन उसी डोनेशन को अगर आपने खर्च कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सिंपल सी बात है डोनेशन लाइबिलिटी में आएगा और वहां से क्या होगा, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। डोनेशन लाइबिलिटी में आएगा और सीधा सीधा क्या होगा, वहां पे हमारा माइनस हो जाएगा, जैसे कि ये मैंने दिखाया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। एक केस और बनता है हमारा डोनेशन में, अगर डोनेशन हो आपका स्पेसिफिक पर्पस और जितना डोनेशन मिला है उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो जाए, तो जितना डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस है उसको लाइबिलिटी में दिखाइए और उतने अमाउंट से ही आप माइनस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का डोनेशन मिला था तो 20 लाख ही माइनस कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है बताइए कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगर इनकेस जनरल डोनेशन की बात करें, सॉरी स्पेसिफिक डोनेशन में भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर यहाँ पे खर्चा 6 लाख हो रहा है तो मैंने क्या बताया था, इस पे होने वाला इनकम भी कहाँ चले जाएगा, लाइबिलिटी में ही चला जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं फटाफट से, इसमें कोई डाउट, क्लियर है डोनेशन। तो अभी तक हमने कितने टॉपिक कवर करें सर, एक हमने कर लिया स्टेशनरी कंज्यूम, एक क्या कर लिया हमने डोनेशन है। स्टेशनरी कंज्यूम में सिंपल सा है कि हम स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पुट करते हैं एक फंड बेस्ड, और उसके अंदर तीन पैटर्न था, नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 स्टॉक और क्रेडिटर, नंबर 3 था स्टॉक क्रेडिटर विद एडवांसेस यानी विद प्रीपेड, तीनों का हमने देख लिया। इसके बाद डोनेशन का भी हमने देख लिया। इसके ऊपर ये इसलिए सिखाया जाता है कि आपको इस पे बेस क्वेश्चन तो 12वीं में पूछा जाता आया है, लेकिन कॉलेज में मैं नहीं समझता कि पूछा जाएगा। कॉलेज में आपको पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल देगा, उसने बोल दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो आपको बैलेंस शीट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालें या फिर बैलेंस शीट में डालें, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका रिटेन होना चाहिए तभी आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है यहां तक सारा? तो डोनेशन के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है सब्सक्रिप्शन। तो मैं सब्सक्रिप्शन के लिए एक दिन और टाइम लूंगा, जिस दिन पूरे दिन में सब्सक्रिप्शन ही सब्सक्रिप्शन सिर्फ हम कवर करेंगे। कल है हमारा ट्यूसडे, कुछ बच्चों के पेपर रेगुलर भी चल रहे हैं तो मुझे चाहिए थोड़ी सी लंबी क्लास। लंबी क्लास का मतलब जैसे अभी बज रहे हैं 12, फिर 2 बजे से पेपर है ना, अगर जैसे मैं 11 बजे क्लास रख रहा हूँ तो 10 बजे वाले बच्चे तो पेपर देके आ ही सकते हैं, है ना। खत्म, ठीक है, फिर 11 से फिर 1 करेंगे कल की क्लास, 11 से 1 या 1:30 करेंगे, 1:30 में तो फिर आपका 2 बजे पेपर स्टार्ट है एग्जैक्ट, 11 से 1 करेंगे कल। या तो मैं लीज खत्म करूंगा या फिर मैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, कल दोनों में से कहां, कौन से वाले एग्जांपल में, इसमें नहीं, लिख के दिखाना एग्जामिनर को कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है ना। चलिए सर, किसी का कोई डाउट, जितने बच्चे लाइव है बता दीजिए फटाफट से, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। पूजा ओम प्रकाश, अगर आपका कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो बताइए फटाफट से, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास, जैसे कल है तो कल करेंगे इसके आगे टू बी कंटिन्यू। कोई डाउट, नो चलिए इस वाले डोनेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना है। ये वाली वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, ऑफलाइन वाले बच्चों का भी मैं सेंड करवा देता हूँ ये वीडियो, ध्यान से एक बार दोबारा देख के आना ये डोनेशन वाला। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।